एक बार नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंच आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुँचाने के लिए दूध वाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह रोज नियत समय पर बिना नागा किए आश्रम पहुंच जाता था। एक बार दूध वाले को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी माँ ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी, तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं अजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था, इसलिए उसने लड़की को मंत्र दिया और वह लड़की चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की माँ ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी, आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम ना किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुँचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया, लेकिन थोड़ी देर में ही वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वही लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, ना वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, ना पूरी मेहनत से, ऐसे में वह सफल कैसे होगा। इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम ना आके, ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें।